Hello my dear students, get ready for today's class. Okay, let's start. But firstly, tell me what we have learned in our last class. Yes, we have learned in our last class about the body parts of all insects. Now students, you have to imagine that it's our birthday and you have to invite insects for a dinner party. Now tell me what food you will ready for their dinner. तो जो इंसेक्ट्स आएंगे उनके लिए आप क्या फूड रेडी करवाओगे. एंड नेक्स्ट वन इज हाउ इज देयर फूड डिफरेंट फ्रॉम योर फूड. तो जो उनका फूड आप रेडी करवाओगे वो आपके फूड से किस तरह से डिफरेंट होगा. लेट्स डिस्कस द आंसर्स. डिफरेंट इंसेक्ट्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. तो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट फूड ईट करते हैं. वो हमारे तरह जैसे हम फूड ईट करते हैं वो फूड तो वो नहीं ईट कर सकते, बट दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. सम ऑफ देम ईट स्वीट थिंग्स सच एज बाइट्स ऑफ योर चॉकलेट, कुकीज लाइंग ऑन द फ्लोर और एनी करी डिश दैट वॉज स्पिल्ड ऑन द किचन स्लेब. क्लियर. सम इंसेक्ट्स ईट प्लांट्स लीव्स एंड सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. यानी कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो स्वीट ईट करते हैं, जो मीठी चीज़ें होती हैं. कुछ प्लांट्स ईट करते हैं, कुछ प्लांट्स की लीव और कुछ फूलों का रस चूसते हैं. नेक्टर मतलब नेक्टर मीन्स फूलों का रस एंड सक मीन्स चूसना. क्लियर. स्टूडेंट्स वी आर डूइंग ब्लॉक 5 क्रीपी क्रॉली एनिमल्स एंड टुडे वी विल लर्न मोर अबाउट द फूड दैट इंसेक्ट्स ईट. Clear? So here are some pictures for you. So look at these pictures carefully. What are these and these insects doing? जो insects हैं वो क्या कर रहे हैं? Yes, they are eating different kind of their food. Like cockroach is eating bread. And जो butterfly है, butterfly is sucking nectar from flower. Mosquito is sucking blood. And जो ant है वो sugar eat कर रहे हैं. And grasshopper is eating leaves. Clear? So here are some questions based on that picture. Question number 1 is what are the ants eating? Next one is what are mosquito and cockroach eating? And next one is what is the butterfly eating? जो butterfly है वो क्या eat कर रही है? Next one is what is the grasshopper eating? Let's discuss the answers. Ants eat bites of food, especially sweet food that is left or dropped on the floor. तो आपने घरों में भी देखा होगा, आपके घर में भी देखा होगा, अगर आपसे कोई फूड का या कोई छोटी सी बाइट गिर जाए या फिर कोई स्वीट जो होती हैं वो आपसे फ्लोर पे गिर जाती हैं तो वहाँ पे चींटियाँ हो जाती हैं, एंट्स आ जाती हैं. क्लियर. नेक्स्ट वन इज Many of us have bitten by mosquitoes. Mosquitoes eat nectar. आपने gardens में देखा होगा जो mosquitoes होते हैं वो flowers के पास भी होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि वो nectar चूसते हैं, यानी फूलों का रस चूसते हैं वो भी. But female mosquitoes also bite us and suck blood from us. Cockroach is eating bread. हमने picture में देखा था ना, cockroach क्या eat कर रहा था? Bread. Next one is in the garden we see butterflies sitting on flowers. They actually sit on flowers to suck nectar from flowers. Clear? Last one is grasshoppers are also found in gardens because they eat leaves of plants. जो grasshopper है वो क्या eat करता है? Plants की leaves. Clear? Now students tell me why do different insects eat different kinds of food? Why do insect eat food? Insect food क्यों eat करते हैं? And do insects have teeth like us? क्या insects के teeth भी होते हैं हमारी तरह? Let's discuss some important facts about this lesson. Let's start reading. Different animals eat different kinds of food because they have different kinds of body parts. टू हेल्प दैम ईट. जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, जो डिफरेंट इंसेक्ट्स होते हैं, बच्चों यहाँ पर इंसेक्ट्स आएगा. डिफरेंट इंसेक्ट्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड बिकॉज दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडी पार्ट्स. तो उनके बॉडी पार्ट्स डिफरेंट होते हैं.
जो कि उनको डिफरेंट फूड ईट करने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ग्रास होपर हैज अ माउथ पार्ट दैट हेल्प्स इट टू टीयर एंड चू फूड. क्लियर? अ मस्किटोज माउथ कैन सक आउट ब्लड फ्रॉम आर बॉडी. अ बटरफ्लाईज माउथ इज लाइक अ स्ट्रॉ दैट हेल्प्स देम टू सक फ्रॉम फ्लावर्स. सो उनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं जो कि उनको उनकी फूड ईट करने में हेल्प करते हैं. क्लियर? इंसेक्ट्स हैव डिफरेंट माउथ पार्ट्स टू ईट डिफरेंट फूड. सो दे डू नॉट नीड टीथ टू ईट फूड. इंसेक्ट्स जो होते हैं उनकी टीथ नहीं होते, उनको फूड ईट करने के लिए टीथ की ज़रूरत ही नहीं होती. उनकी जो माउथ की शेप होती है वही ऐसी होती है कि वो फूड ईट कर सकते हैं. क्लियर? लाइक अस दे ईट फूड टू गेट एनर्जी. हम फूड क्यों ईट करते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिले, और इसीलिए इंसेक्ट्स भी फूड ईट करते हैं. क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, बी रेडी विद योर कंटेंट बुक एंड वर्क बुक.